देखिए बाबू इतना ज्यादा मिठाई ला, कई किलो है? 2 किलो। SDO बन गए अब ये अपने एरिया के अधिकारी। अपन यहाँ 2 किलो भाई अधिकारी बन लो तो ऐसे 2-2 किलो लेके आया करो, ठीक है? चलिए बाबू इसमें सबसे पहला आपको हम अपने हाथ से खिलाते हैं। देखो मिठाई का आदमी भूखा नहीं होता है, लेकिन एक जो मेहनत होता है ना वो एक बहुत अपने आप को अधिकार लगता है कि नहीं ये हम लोग का क्या है अधिकार। और आज बताइए तुम लड़का लोग को हमेशा ये कहते हैं कि कम उम्र में सक्सेस होने का बात ही अलग है, आप सोच सकते हैं। SDO बहुत बढ़िया, एकदम आगे बढ़िया और एकदम हाँ। और अभी अभी आगे अभी धीरे दिनांतर आगे बढ़ते रहना है। वैसे भी आप यहाँ विद्यार्थी लोग तो कभी रुकने का नाम नहीं लेता। SDO आगे जाके धीरे धीरे करके पूरा हर डिपार्टमेंट में आप ही लोग का कब्जा होना चाहिए। पहले विद्यार्थी का इस पे हक होता, हम तो पूरा खाएंगे यहाँ पर, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया हुआ। कौन अभी तो ज्वाइनिंग वगैरह कब होगा? हो गया ज्वाइनिंग? हो गया, पटना में ही हो गया, वाह। चलिए आगे और पढ़ते रहना, इस सबको भी कुछ समझाइए अपने कैसे कैसे पढ़े ताकि मोटिवेशन इन गधों को भी कुछ मिले। आजकल इस सब पढ़ाई कम करता है सब। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम हम सर को तहे दिल से प्रणाम और धन्यवाद करना चाहते हैं कि सर ने बहुत ही सस्ते और इजीएस्ट वे में ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से गांव गांव कस्बे कस्बे और दूर दराज के इलाकों तक जो शिक्षा को निरंतर हर गली तक पहुंचाने का कार्य किया है वो बहुत ही अतुलनीय है। एक सेकंड सर, हम पूरा जिससे प्रेरित होकर हम गरीब किसान के बेटे बेटियां भी ऑफिसर बनने का सपना रखते हैं और जिन्हें सच करके भी दिखलाते हैं। मेरा नाम मंटू कुमार हुआ, मैं बड़ी मलिया गांव से खगड़िया जिले से बिलोंग करता हूं और अभी RCT डिपार्टमेंट में एज ए SDO पटना में विश्वेश्वरैया भवन में पोस्टेड हूँ। सर का ज्ञान जो है वो अनमोल रत्न के समान है जो जॉब के पहले भी और जॉब के बाद भी एक नई दिशा देने का कार्य करती है और करती भी रहेगी आगे भी। सभी स्टूडेंट का पढ़ाई के दौरान मोटिवेशन का अलग अलग जरिया हो सकता है। मेरे मोटिवेशन का जरिया मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई और मेरे सीनियर्स और गुरुजन थे जिसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर हमने आज ये पद को सुशोभित कर पाया है। जब हम पढ़ाई करते थे तो इस प्रकार मेहनत करते थे क्योंकि मेरे बड़े भाई जो है वो एक पिता के समान थे और उन्होंने हमको एक तरह से समझिए कि पाला पोसा और सारी जिम्मेदारी निभाई है। तो हम इस प्रकार पढ़ाई करते थे कि ऐसा लगे कि अगर हम सफल हों तो मेरे भाई को ऐसा लगे कि मेरा भाई भी आज एक ऑफिसर है। इसी विचारधारा को हमने अपने मन में लिए, लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखा और कड़ी मेहनत से हमने इस पद को प्राप्त किया है। सर के बारे में तो क्या कहना, सर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं मतलब कि हमने काफी सब्जेक्ट में सर का मतलब कि पढ़ाई किया है तो जो कि गूगल से नहीं समझ में आता फिर भी सर का जो कंसेप्ट है उससे बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जी सर, वो तो मतलब कि कभी कभी रॉन्ग भी बता देता है क्योंकि हम ही लोग उस पर गूगल पे भी अपलोड करते हैं। और ये बात भी सच है कि सर हमेशा हम लोग में से कोई UPSC निकालेंगे, कोई SDO बनेंगे, कोई हमसे भी ज्यादा पद प्राप्त करेंगे। हम लोग की ये इच्छा भी है कि आप लोग भी बहुत जीत और मेहनत करें और ज्यादा सर के नाम को ऊंचा स्थान प्राप्त करवाएं। सर से हमने ये चीज सीखा है मतलब कि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन मोड हो पढ़ाई का, कि सर का ये कहना है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति इस प्रकार अग्रसित हो जाएं कि मतलब कि इस प्रकार उसके पीछे पड़ जाएं कि जैसे विद्या पाने के लिए कि आपको मजबूर हो जाए सरस्वती माता जी भी कि जाओ इसको भी जॉब दे ही देते हैं। हमने पढ़ाई के दौरान ये काफी चीजें मतलब कि झेला है। जब हम पढ़ाई करते थे तो जब आप कंटिन्यूस एक बड़े पोस्ट की तैयारी करते हैं तो आप ये कोई भी टॉपर भी हो कोई भी हो वो कहें अगर कि 6 घंटे 7 घंटे से हो जाता है ये आपको कहेंगे स्टेज पे, लेकिन पर्दे के पीछे क्या कहते हैं कि हमने 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई की है। तो जब हम पढ़ाई करते थे तो कभी रूम में पढ़े जैसे 2-3 घंटे, फिर छत पे भी पढ़ने लगे, फिर सीढ़ी पे, क्योंकि मन को थोड़ा सा डायनेमिक होना बहुत जरूरी है। तो वहां पर आसपास के जो गर्ल्स वगैरह थे तो बोलती थी कि
आप जो पढ़ाई कर रहे हैं आप थकते नहीं है। नहीं और लेकिन हम उसको बोलते थे कि नहीं आपके मतलब का नहीं है सचिन। और जी सर, और अंत में मैं चार लाइन आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं कि मेरी ये इच्छा है कि मैं सर के अनुकंपा और आशीर्वाद से अपनी सफलता को और ऊंची उड़ान दे सकूं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी लांगा है हमने बीपीएससी को, अभी अभी लांगा है हमने बीपीएससी को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जी सर, थैंक यू सर, मेरा पूरा आशीर्वाद है आपको। और हम हमेशा एक चीज आप में बहुत अच्छा लगा, हम हमेशा आपको कहते हैं नौकरी तो सोच रहा हम आपको छीन के दिला देंगे, लेकिन एक चीज याद रखिए, नौकरी के पहले भी नौकरी के बाद भी। आज वो भाई कितना खुश होंगे जिन्होंने अपने छोटे भाई, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि बड़ा भाई अपना फर्ज तो निभा जाता है लेकिन जब छोटा भाई सक्सेस हो जाता है ना बड़े भाई को भूल जाता है। तो ये बहुत बहुत बड़ा आपका संस्कार माँ बाप का है जो इतने बड़े मंच पर आके भी अपने पिता तुल्य भाई को नहीं भूले, हमेशा सम्मान करते रहेगा। जीवन में नौकरी बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, एक पागल भी अपना पेट पाल लेता है, और कितना भी बड़ा आप नौकरी लीजिए तीन टाइम खनवे ना खाएंगे, और समाज के प्रति सेवा करते रहेंगे। ये चीज बहुत अच्छी लगा आप। और दूसरा, जो यहाँ हमारे यहाँ पढ़ लिया उसको तो कोई लाल पीला हरा डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। चलिए अभी यूपीएससी बाकी, अभी तो नापी है बीपीएससी, अभी यूपीएससी बाकी है। चलिए कुछ एकदम आशीर्वाद है, हमेशा आते रहिए, बाकी यूपीएससी वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके लिए भी हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है। अभी हम आपको ये उम्मीद के साथ आपको भेजते हैं कि आप यूपीएससी के बाद आएंगे, एसडीओ के बाद डीएम बन के आएंगे। तो आप लोग से भी कहते हैं मन लगा के पढ़ाई किया करो, देखो इसके ऊपर भी लाल पीला हरा का असर होने वाला था, लेकिन हम अपना विद्यार्थी को बिगड़ने देंगे? बाप रे, एकदम सख्त हो जाता है, समझ आ गया कि नहीं? आ गया, आगे बढ़े।